सुबह के 6:45 हुए हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज मंगलवार का दिन है और जनवरी महीने की 3 तारीख। हम आरंभ करने जा रहे हैं सुबह की सभा को। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। अपने मधुर संगीत से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करने वाले महान संगीतकार स्वर्गीय राहुल देव बर्मन जी की कल 4 जनवरी को पुण्यतिथि है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम के तहत श्रद्धांजलि के रूप में एक विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले हम सुनवाते हैं आपको फिल्म छोटे नवाब का एक गाना, जो राहुल देव बर्मन साहब की पहली फिल्म थी। घर आजा घिर आए बदरा सवरिया, घर आजा घिर आए बदरा सवरिया, मोरा जिया धक धक रे चमके बिजरी लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना फिल्म छोटे नवाब से आपने सुना। राहुल देव बर्मन साहब की संगीतकार के रूप में ये पहली फिल्म थी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका कंपोज किया हुआ पहला गाना कौन सा था? जी हाँ, सन 1956 की फिल्म फंटूश का गीत, जिसे गाया था किशोर कुमार ने। 9 साल की उम्र में राहुल देव बर्मन ने ये गाना कंपोज किया था, जिसे उनके पिता संगीतकार सचिन देव बर्मन ने फंटूश में इस्तेमाल किया था।
है मेरी टोपी पलट के आ ना अपने पंटू को सता है मेरी दिल बर इधर नजर कर न जा बिछड़ कर न जा न जा है मेरी टोपी पलट के आ ना अपने पंटू को सता है मेरी दिल बर इधर नजर कर न जा बिछड़ कर न जा न जा ऐ मेरी टोपी पलट के आ। ऐ मेरी हम जोली तू भी गैर की होली तू भी दे गई धक्का हा हा औरों के संग घूमे इचलाए और झूमे देखूं मैं भौचक्का मेरी टोपी मेरी टोपी मेरी टोपी है मेरी दिल बद इधर नजर कर न जा बिछड़ कर न जा न जा ऐ मेरी टोपी पलट के आ ना अपने पंटू को सता ऐ मेरी दिल बर इधर नजर कर न जा बिछड़ कर न जा न जा ऐ मेरी टोपी पलट के आ। देखे जिसे अकेली उससे करे अठखेली राह में रात रचाए मोटा पेट बजाए गंज सर को छुपाए छेड़े और छुप जाए मेरी टोपी मेरी टोपी मेरी टोपी ऐ मेरी दिल बर इधर नजर कर न जा बिछड़ कर न जा न जा ऐ मेरी टोपी पलट के आ ना अपने पंटू को सता ऐ मेरी दिल बर इधर नजर कर न जा बिछड़ कर न जा न जा ऐ मेरी टोपी पलट के। मेरी टोपी। किशोर कुमार की आवाज में आपने ये गाना फिल्म फंटूश से सुना था सचिन देवबर्मन के संगीत में, लेकिन एक खास वजह थी इस गाने को आपको सुनवाने की, क्योंकि असल में इस गाने को कंपोज किया था स्वर्गीय राहुल देवबर्मन साहब ने, तब उनकी उम्र महज 9 साल की थी। राहुल देव बर्मन साहब के बारे में बहुत सी बातें हैं बताने को, लेकिन जैसे कि आधे घंटे का समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम में, तो हम जितनी बातें इस आधे घंटे में आपको बता सकते हैं बताएंगे ज़रूर, और बड़ी तादाद में उनके गाने भी हैं, तो बेहद चुनिंदा गाने हमने आज के इस कार्यक्रम में चुने हैं। तो राहुल देव बर्मन साहब जितने अपने संगीत के लिए मशहूर थे, उतने ही अपनी आवाज के लिए भी। अब हम उनकी आवाज में ये गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म किताब से। सुरमा
वाला पर आग जैसे चांद पे जो हाथ लगे चेहरे तेरे बिना रात लगे छाला पर आग जैसे चांद पे जो हाथ लगे देखा है लैला की पीर की किताब में देखा है गन्नो तुझे ख्वाब में देखा है हाय लैला की पीर की किताब में देखा है अभी आपने ये गाना फिल्म किताब से सुना गुलजार साहब ने इस गीत को लिखा था ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोन राहुल देव बर्मन जिन्हें पंचमदा के नाम से भी जाना जाता है सन 1970 के दशक में उनका संगीत खूब हिट रहा किशोर कुमार की आवाज राजेश खन्ना की एक्टिंग और पंचमदा के संगीत ने इस दशक में खूब वाहवाही बटोरी सन 1970 में कटी पतंग के सुपरहिट संगीत से इन तीनों की जोड़ी शुरू हुई जिसने रुकने का नाम नहीं लिया था है ये उनका है काम हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने तो छोड़ो जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार रहने तो छोड़ो जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले
मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो बिजाने दो यार हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो बिजाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो बिजाने दो यार हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो बिजाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। आनंद बख्शी का लिखा ये गाना भी आपने फिल्म कटी पतंग से सुना। राहुल देव बर्मन साहब को आज हम हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोगवादी और प्रतिभाशाली संगीतकार के रूप में याद करते हैं। संगीत के साथ प्रयोग करने में माहिर पंचमदा ने पूर्व और पश्चिम के संगीत को एक साथ मिलाकर एक नई धुन तैयार करके अपनी मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं का दिल चुराया था।
कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को है वफा इस जहां एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम ले लिया दिल हाय मेरा दिल हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम। तो ये गाना आपने सुना फिल्म यादों की बारात से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था। राहुल देव बर्मन साहब की पत्नी बहुमुखी प्रतिभा की धनी आशा भोसले और सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी ने इस गाने को गाया था। एक ही जैसा काम करना राहुल देव बर्मन साहब की फितरत नहीं थी। नए प्रयोग करना, संगीत यंत्रों से नई तरह की धुनें बनाना और नई तरह की आवाजों को गानों में इस्तेमाल करना उनका शौक बना। हालांकि इसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी एक अहम जगह बनाई। उनका संगीत हर दौर का संगीत बना, इसलिए आज भी उनका संगीत जवान है। मेरी जा मैंने कहा मेरी जा तूने सुना मेरी जा मैंने कहा मेरी जा तूने सुना दिल ने दिल से क्या कहा बिरी 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 मेरी जा मैंने कहा मेरी जा तूने सुना मेरी जा मैंने कहा मेरी जा तूने सुना दिल ने दिल से
जा मैंने कहा मेरे जा तूने सुना मेरे जा मैंने कहा मेरे जा तूने सुना दिल ने दिल से क्या कहा फिल्म द ट्रेन से था ये गीत। अपने संगीत से भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान देने वाले स्वर्गीय राहुल देव बर्मन साहब की कल 4 जनवरी को पुण्यतिथि है। श्रद्धांजलि के रूप में अभी आप सुन रहे थे एक विशेष कार्यक्रम।